बागेश्वर धाम पर पिछले 4 दिनों से लगातार गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त चरण पादुका पूजन और गुरु दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा रविवार को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सर्वप्रथम बागेश्वर भगवान का अभिषेक कर बालाजी का पूजन किया और इसके बाद दादा गुरु सन्यासी बाबा के विधि विधान से पूजन कर आशीर्वाद लिया है। इसके बाद बागेश्वर धाम आए शिष्यों ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से गुरु पूर्णिमा पर आशीर्वाद लिया है। बागेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु धाम पहुंचे हैं। बागेश्वर धाम में 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा का महोत्सव चल रहा है, जो 18 जुलाई से 22 जुलाई तक जारी रहेगा। भीड़ को कंट्रोल करने और व्यवस्था बनाने के लिए बागेश्वर धाम में 4 जिले के पुलिस बल बुलाए गए हैं, जिसमें 2 SDOP के 10 थाना प्रभारी, 15 SI साथ ही 300 पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हमारा उद्देश्य मांग के नाम रखने से कोई बड़ी बात नहीं, पर सत्य सामने आना चाहिए। अपने बाप को बाप कहना चाहिए, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहना चाहिए, ताकि समाज में किसी भी प्रकार से झूठा प्रस्तुत ना हो और कोई भी व्यक्ति गुमराह ना हो। हमारा उद्देश्य यह बात कहने का सिर्फ इतना है। मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद है, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद है, तो उन्होंने ऐसा कार्य किया, उसके लिए साधु। देश और दुनिया से आपके शिष्य आए हैं, बहुत अद्भुत लग रहा, सब लोग बहुत प्यारे हैं, सबकी निष्ठा बालाजी के प्रति बहुत अद्भुत है और गुरु पूर्णिमा उत्सव निर्विघ्न मनाया जा रहा है और सबके अंदर जो बालाजी के प्रति उदारता है वो देखते बन रही है और बालाजी भी सब पर अपना वरद हस्त रख रहे हैं, ये भी सौभाग्य है और सब पर कृपा हो गए। गुरु ही पूर्ण माँ है और पूर्ण माँ हमारी माँ ही गुरु पूर्णिमा है। आज ओरछा के लिए आपने पैदल यात्रा का ऐलान किया था, भी चल रही है, कब से वो यात्रा? नवंबर में हम उसको प्रारंभ करेंगे, नवंबर के अंत में समय बन रहा है, तारीख निश्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दी जाएगी। अभी उसकी कुछ काखा गा की तैयारियां चल रही हैं, लगभग 10 दिनों की यात्रा होगी और लगभग 8,000 से 10,000 लोग एक साथ वहां तक जाएंगे। और आज बांग्लादेश की हालात जो है वो खराब है, बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि वहां पे जिन लोगों को दिक्कत है वो बंगाल में आके बसे, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अभी हमने ये सुना नहीं, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते, इस पर विचार करके हम बोलेंगे। ओरछा केवल ये यात्रा हमारी रुकेंगी नहीं, जीवन में हम अपने प्रथम यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा की करेंगे, इसके बाद में हम मथुरा से दिल्ली की करेंगे और लखनऊ से अयोध्या की करेंगे। बागेश्वर धाम में उनके गांव है, जो दुकानें हैं वहां पर भी नाम उल्लेख करवाई जाएंगे? बिल्कुल बेझिझक, हम आज ही सबको बोलेंगे। समाज जगाओ, केवल उद्देश्य इतना है, समाज जगाओ, जात पात मिटाओ, हिंदुओं एक हो जाओ।